आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको जीन्स बनाने की ए टू जेड पूरी की पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है, जो कि आपके नॉलेज को बढ़ाने वाली है। और साथ ही में दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आप तक हमेशा ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस पहुंचती रहें। जीन्स बनाने के लिए सबसे पहले हर जगह से ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से कॉटन को फैक्ट्री में लाया जाता है। जो कॉटन जितना लंबा होता है, उसकी फैब्रिक क्वालिटी और उसकी टफनेस उतनी ही बेहतर होती है। इसलिए इसको लंबा बनाने के लिए सबसे पहले इसे मिक्सर में डाल देते हैं। यहाँ पर इसकी इम्प्योरिटीज़ जैसे कि सीड्स और वीड्स निकल जाता है। अब इसकी ब्लेंडिंग करने के बाद इस मुलायम कॉटन का पतली पतली थ्रेड के बंडल बनाया जाता है। अब यह कॉटन एकदम से साफ हो चुका है, लेकिन यह मजबूत नहीं है, इसलिए इसकी स्पिनिंग प्रोसेस की जाती है। इस प्रोसेस में 6 थ्रेड्स को मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड बनाया जाता है, और इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए इसके बहुत सारे बंडल तैयार किए जाते हैं। अब इन थ्रेड्स के बंडल को रेडी करने के बाद इसमें कलरिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि अधिकतर जीन्स ब्लू इंडिगो कलर का होता है, इसलिए इसको इंडिगो कलर के बड़े से ट्यूब में डुबोया जाता है। यहाँ पर जब इंडिगो कलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो इन थ्रेड का कलर एकदम ब्लू हो जाता है। इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट की जाती है, जिससे कि इसका कलर एकदम डार्क ब्लू हो जाए। इसके बावजूद भी इसका कलर थ्रेड के चारों तरफ ही होता है, और अंदर यह वाइट ही रहता है, जिससे कि जींस का कलर बीच बीच में सफ़ेद हो जाता है। इसके सूख जाने के बाद मशीनों के द्वारा ही वीविंग प्रोसेस की जाती है। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी प्रोसेस है, तो हम आपको बता दें कि इस प्रोसेस में इन थ्रेड के बंडल का यूज़ करके जींस का कपड़ा बनाते हैं। अब इसमें कोटिंग और श्रिंकेज की प्रोसेस करते हैं, साथ ही में इसको हीट सेक्शन में डाला जाता है। इसको इस सेक्शन में डालने का रीज़न ये है कि बहुत सारे कस्टमर ये शिकायत करते हैं कि कपड़ा पहनते पहनते इसका साइज़ बड़ा हो गया है, लेकिन इसमें श्रिंकेज प्रोसेस करने से इसका साइज़ बड़ा नहीं होता है। इन सभी प्रोसेस के कंप्लीट हो जाने के बाद बहुत ही बारीकी से इनकी क्वालिटी टेस्ट की जाती है, और साथ ही में जहाँ पर कुछ भी खराबी होती है उसे मार्क करके ठीक करते हैं। अब यहाँ इस सेक्शन में जीन्स के कपड़ों का बंडल बनाया जाता है, और बंडल तैयार करने के बाद इसकी सिलाई करने के लिए आगे के पोर्शन में भेज देते हैं। यहाँ पर इन कपड़ों के बंडल को एक साथ लेकर पैंट के अलग अलग पार्ट को तैयार करने के लिए इसकी कटिंग की जाती है। पैंट बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले इसके जेब को तैयार किया जाता है, जहाँ पर इस जेब में डिजाइन डालने के लिए यह मशीन बहुत ही बेहतरीन काम करती है। इसमें कपड़े को डालते ही फटाफट डिजाइन बन जाती है। अब यहाँ से इन पैंट में सिलाई का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले कपड़ों के साइड में सिलाई की जाती है, जिससे कि कपड़ों से कभी भी धागा ना निकले। अब इसमें ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह की सिलाई करके पैंट तैयार करते हैं। उसके बाद पैंट में आगे और पीछे के जेब लगाए जाते हैं। इसके बाद पैंट का हुक और चैन लगाने के लिए इसमें 2 से 3 लेयर की सिलाई की जाती है। सिलाई हो जाने के बाद इसमें हुक और चैन सेट करते हैं। अब आपकी पोस्ट ऑफिस का दरवाजा तो बन गया है। अब जब आप इसको पहनते हैं, तो इसमें बेल्ट लगाने के लिए इसके कवर की सिलाई की जाती है। पूरी तरीके से सिलाई हो जाने के बाद इनको वॉशिंग चैम्बर में भेज देते हैं, जहाँ पर कपड़ों की अच्छी तरीके से धुलाई की जाती है, और सफाई हो जाने के बाद इनकी फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग करने के लिए यह एयर प्रेशर सिस्टम बहुत ही काम आता है। इसके द्वारा पैंट रिस्ट्रेस हो जाता है, जिससे कि इनमें बारीकियों को चेक करते हैं कि पैंट में किसी प्रकार की कोई खराबी तो नहीं है, और साथ ही पैंट में कटी फटी डिज़ाइन, जो कि लड़कों को बहुत ही पसंद होती है, उन्हें मशीनों के द्वारा बहुत ही आसानी से बनाया जाता है। पैंट की डिज़ाइन तैयार हो जाने के बाद इसमें लिक्विड स्प्रे करते हैं, इससे पैंट में एक अलग ही साइन आ जाती है। इन सब चीज़ों के बाद आजकल जींस के पैंट में जो ट्रेंडिंग डिजाइन चल रही है, उसे इस लेजर सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है। यह मशीन फुली ऑटोमेटिक होती है, जिसमें सिर्फ डिजाइन को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद लेजर सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क करने लगता है।
डिजाइन देने के बाद इन पैंट्स में हीट एयर पास की जाती है, उसके बाद इनमें अंदर और बाहर की तरफ प्रेस करते हैं। यह सब रेडी हो जाने के बाद पैंट की अच्छी तरीके से ब्रांडिंग की जाती है और ब्रांडिंग करने के बाद इसे भेज देते हैं पैकिंग सेक्शन में। इस सेक्शन में इनको पॉलीथीन में पैक करते हैं और उसके बाद कार्टून में भरकर मार्केट में सेलिंग करने के लिए भेज देते हैं, जहां से आप खरीद कर अपनी मनपसंद जींस को पहनते हैं और जब आप स्टाइल के साथ बाहर निकलते हैं तो पूरे एरिया में आग लग जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आखिर जींस पैंट को फैक्ट्री में किस तरह तैयार करते हैं। वीडियो पसंद आ ही गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रह आप तक हमेशा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचती रहे। स्क्रीन में आपको दो और वीडियो दिख रही होंगी जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं, इन्हें आप ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक बार फिर से एक नए और शानदार वीडियो में।